अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड, आज फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, आलू और मटर की सूखी सब्ज़ी। तो आप देख सकते हो कितना लाजवाब हमारी सब्ज़ी बनी है। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है, मैं प्रेशर कुकर में ही सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो कुकर लिया है, कुकर भी गर्म हो गया था, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो जैसे हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा, मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के रखा है, जैसे आप देख सकते हो। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं गया है, थोड़े ही मसालों में बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनी थी, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब मैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई करूँगी। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और फटाफट ये अच्छी सी सब्ज़ी बन जाए। तो अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड, देख सकते हो आप, सब प्याज भुंज गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, इसमें टमाटर ज़्यादा डालिए क्योंकि सब्ज़ी का पूरा ग्लैमर टमाटर ही है। और 4 से 5 हरी मिर्च लिया है मैंने, जो बारीक काटा है। आप अगर कम स्पाइसी खाओ तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब मैं इसे चलाते हुए, इसमें कोई मैं सूखा मसाला नहीं ऐड करूँगी, ना ही हल्दी पाउडर, ना ही धनिया पाउडर, ना ही मिर्ची पाउडर। ऐसी ही मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आलू टमाटर और प्याज में। तो इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। आप देख सकते हो मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ऐसे बारीक पतले टुकड़ों में कट किया है और धोकर रखा है। तो मैं सारे आलू इसमें डाल दूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी चलाते हुए। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी मटर, जो मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। तो मैं इसमें मटर भी साथ ही में ऐड कर दूँगी। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी चलाते हुए। आप इसका कलर देख सकते हो, मैंने इसमें कोई हल्दी वगैरह ऐड नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह टमाटर की वजह से सब्ज़ी में कलर जो आया ना, उसकी बात ही अलग। इसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालना है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, चावल के साथ भी अच्छी लगती है। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी ताकि हमारा आलू और मटर अच्छे से गल भी जाए और नीचे लगे ना, सब्ज़ी जले ना। कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी में। तो चलाते हुए अच्छे से इसे 1 से 2 मिनट फास्ट फ्लेम पे चलाते हुए भुनना है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी पानी। तो आप देख सकते हो चम्मच को धोते हुए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने ज़्यादा नहीं, आधा गिलास ही पानी यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये सूखी सब्ज़ी बनाना है, ग्रेवी वाली नहीं बनाना है। तो आधे गिलास में हमारी सब्ज़ी बन भी जाएगी और मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी। और ढक्कन में मीडियम फ्लेम पे मैं सिर्फ 2 सीटी आने तक ही इसे पकाऊंगी, क्योंकि 2 सीटी में हमारा आलू भी और मटर भी पक के तैयार हो जाएगा। प्रेशर कुकर में बना रही तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। 2 सीटी आने तक मैं वेट की और 2 सीटी अपने आप रिलीज़ होने के बाद मैं ढक्कन खोल के आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो सब्ज़ी का कलर और लुक, फाइनली मैं आपको चला के दिखा देती हूँ। तो आलू देख सकते हो आप, बिल्कुल पक चुके हैं, ये देखिए एकदम इजीली टूट जा रहे हैं आलू, और मटर भी माशाल्लाह अच्छे से गल गया है। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी धनिया, जो मेरी फेवरेट है, मैं हर चीज़ में यूज़ करती हूँ। तो अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी चलाते हुए। आप सब्ज़ी का लुक देख सकते हो कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनी थी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ इसका लुक। कोई हल्दी मिर्ची पाउडर कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, सिर्फ टमाटर मिर्ची और कांदे में ही ये भाजी बनी है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा,
फाइनली इसका लुक देखिए, रोटी के साथ, चावल के साथ, आप जिसके साथ चाहे तो सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनी थी, एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इजी सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे ऐसी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।